जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए 13, 14, 15 और 16 अप्रैल के राशि फल की। आइए जानते हैं आपके आने वाले दिन कैसे रहेंगे। 13 अप्रैल के दिन आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको स्वीकार्य ना हो। अब इसमें दो सिचुएशन होंगी। पहला कि आपको मालूम चल जाए कि क्या हुआ है, और जब आपको मालूम चल जाए कि क्या हुआ है तब ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश ना करें। वो चीज़ अगर आपसे छिपा करके की गई है तो उसे इग्नोर करने में ही आपका लाभ है। अगर वो चीज़ आपसे छिपाई नहीं गई है और आपके सामने ही आपको धोखा देने की योजना बनाई जा रही है, या फिर कुछ ऐसा किया जा रहा है जो आपकी भावनाओं के विपरीत है, तो वहाँ पर उसका आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर अपनी सतर्कता को उसे बता देना चाहिए, जाहिर कर देना चाहिए। यानी कि कई बार आप ऐसा करते हैं कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आप जानते हैं, और आप जानबूझकर धोखा खा जाते हैं। आप अच्छे और भले मानस बने रहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे और भले मानस बनने की जरूरत नहीं है। 13 अप्रैल के दिन आप लोगों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, और यही आपको विशेष सलाह दी जा रही है। 14 अप्रैल के दिन ईश्वर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे, और ये परिवर्तन छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, और इसीलिए कुछ परिवर्तन आपको दृश्यमान होंगे और कुछ परिवर्तन आपको नजर नहीं आएंगे। जो परिवर्तन आपको दिखाई दे उनमें हस्तक्षेप ना करिएगा, उनको नॉर्मल रहने दीजिएगा, क्योंकि ये सारे परिवर्तन आपकी बेहतरी, आपके फायदे के लिए हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। 15 अप्रैल के दिन आपको परिवार की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत संबंधों में आपके जीवन साथी से आपको बड़ा प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर किसी प्रकार के प्रेम संबंधों में आप हैं, तो आपको अपने लवर की तरफ से बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी मिलेगी। लेकिन आपका साथी आप पर विश्वास करता है, और उस विश्वास को कसने की कसौटी में आपको जीवन में उतरना होगा। यानी कि आपको एक बार परखना होगा कि वो वाकई इतना विश्वसनीय है, और जब तक आप परख नहीं लेते हैं तब तक आपको उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल के दिन आप अपने जीवन में थोड़ी सी आशा और निराशा का मिक्स अनुभव करेंगे। कई बार आप जीवन में देखेंगे कि आपकी आशा बढ़ती जा रही है, जब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कई बार आप निराशावादी भी हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि अकेले काम करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुष्कर्म और दुर्लभ है। इस आशा और निराशा के बीच के भंवर से निकलना भी आपको ही है। इसमें आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ आप। तो इसलिए चिंतन मनन करें, अपने पर विश्वास करें, और खुद को ये बताने की कोशिश करें कि अकेले भी काम किया जा सकता है। पहले ये पॉजिटिव थिंकिंग ले लें, और उसके बाद आप ये विचार करें। लेकिन अगर आपको किसी मामले में ऐसा लगता है, और जोर शोर से लगता है कि कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जहां पर आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहां पर आप विचार करें कि किनका सहयोग लेना चाहिए। लेकिन जहां आप अकेले ही अपने दम पर चीजों को हैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ लोगों का सहयोग लेने की कोशिश मत करें। कुल मिलाकर इन चारों दिनों में से 13 अप्रैल का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है, 14, 15, 16 का दिन अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए 14 और 15 का दिन अच्छा है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए 13, 14, 15 और 16 अप्रैल का दैनिक राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।